पालक पनीर लिफाफा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। आज मैं पालक और पनीर का एक यूनिक रेसिपी बनाऊंगी जो कि बच्चों से बड़े तक सबको अच्छा लगेगा। आप लोग तो पालक और पनीर का बहुत सारे रेसिपी खाए होंगे, जैसे कि पालक पनीर का कटलेट, पालक पनीर का पराठा, लेकिन ये नाश्ता आप लोगों को एकदम से बहुत अच्छा लगेगा और मैं उसको सर्व कर रही हूँ कर्ड रायता के साथ। ऐसे तो ये नाश्ता को आप लोग ऐसे खाली भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसको सर्व कर रही हूँ कर्ड रायता के साथ। आप देख सकते हो इसके अंदर स्टफिंग एकदम से भर भर के, और एक खाने में इतना अच्छा लगेगा कि बच्चों तो एकदम से फिनिश कर जाएंगे और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप ये रेसिपी को ज़रूर बनाइए। और रेसिपी को कैसे बनाएंगे तो मैं आपको तो बताऊँगी, उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप सेम वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माय फेसबुक पेज डिवाइन कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो चलिए आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले नाश्ता के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे, और पालक पनीर लिफाफा तो पालक और पनीर तो ज़रूर डलेगी। मैंने यहाँ कुछ पनीर को ग्रेट करके ले लिया है, ग्रेटर से मैंने अच्छे से ग्रेट कर दिया है। और आपकी क्वांटिटी के हिसाब से पनीर ले लेना, आप कितना नाश्ता बना रहे हो कितने लोग के लिए। आप अगर वीडियो के एंड तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना स्टफिंग भर रही हूँ, तो आपके हिसाब से ले लेना। तो मैं उसमें पालक काट कर रही हूँ। अभी पालक को मैंने एकदम से बारीक चप कर लिया, मैंने उसको चप्पर में चप के, आप उसको हाथ में भी चप कर सकते हो, एकदम से फाइन चप कर लीजिए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ओनियन। ओनियन ये नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा और ओनियन ज़रूर डालिए। और मैं यहाँ कुछ कोरिएंडर लीव्स या धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ, और मुझे थोड़ा प्याज कम लगा तो मैंने और थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया। आप ऐसे भी बिना प्याज के बना सकते हो, लेकिन प्याज डालोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम उसमें ऐड करेंगे थोड़े से सूखे मसाला। सूखे मसाले में मैंने पहले ऐड किया है उसमें सॉल्ट, और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और आप कितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से डालिए। और फिर रोस्टेड क्यूमिन पाउडर या भुना हुआ जीरा पाउडर, और मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ चाट मसाला और थोड़ा मैगी मसाला। अगर मैगी मसाला नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, अगर डालोगे तो थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आएगा। और चाट मसाला और आमचूर पाउडर, इसमें दोनों में जो भी आपके पास है आप जरूर डालिए। अभी हम उसको एक स्पून से अच्छे से मिला लेंगे, वह मिक्स कर देंगे, आप चाहो तो हाथ में भी मिला सकते हो। यहाँ हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो गया है, हम उसको एक साइड में रख देंगे और उसका हम कवर बनाएंगे। कवर के लिए मैंने गेहूं के आटा से जैसे पराठे के डो लगाते हैं ना, मैंने ऐसे लगा दिया है, और उसमें से मैं एक लोरी तोड़ के ले रही हूँ। आप चाहो जितना बड़ा जितना छोटा बना सकते हो, आप चाहो तो जो डो है आप मैदा में भी बना सकते हो, लेकिन गेहूं के आटे से थोड़ा हेल्दी होता है तो मैंने गेहूं के आटे से बनाया। उसको एकदम से सॉफ्ट डो जैसे पराठा का बनाते हैं ना, ऐसे बना के ले लो। फिर मैं उसको यहाँ रोल कर रही हूँ एक बड़ा सा रोटी और पराठा जैसा, एकदम से आपको जितना बड़ा और जितना छोटा बनाना है आप उसके हिसाब से उसको रोल कर दीजिए। फिर मैं उसमें स्टफिंग ऐड करूँगी। पहले मैं उसमें थोड़ा ऑयल अप्लाई करूँगी, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। यहाँ मैंने थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी, फिर उसके बाद मैं उसके अंदर स्टफिंग भरूँगी। यहाँ आप देख सकते हो मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग भरा है, आप मतलब 3-4 टीस्पून जैसा मैंने उसको ऐसे स्क्वायर शेप दे दूँगी, और उसको हाथ से ऐसे स्क्वायर शेप दे दोगे तो उसके अंदर उसको मतलब जैसे कवर लफाफा बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और उसको मैं उसके ऊपर थोड़ा आटा छिड़क दूँगी। आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे वो फटेगी नहीं, और उसको ऐसे साइज में मैं फोल्ड कर दूंगी। आप चाहो तो यहाँ आटा का स्लरी जो होता है ना, थोड़ा पानी ऐड करके आटा से उसका स्लरी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरा ये ऐसे ही बन रहा है तो मैंने उसको डाला नहीं। नहीं तो आप उसमें आटा का स्लरी लगा दो तो एकदम से आपका खुलेगी नहीं। अगर आपका ऐसे नहीं होता है तो फिर थोड़ा आटा डाल के उसको मैं थोड़ा बेलन से ऐसे थोड़ा चिपटा कर लूँगी और उसको बेल लूँगी।
अगर आप नहीं चाहो तो आप उसको रोल भी मत कीजिए, वो थोड़ा ठीक बनेगा लेकिन खाने में अच्छा लगेगा। अगर पराठा जैसा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा तो मुंह में आ जाएगा, उसका स्टफिंग एकदम से मुंह में आएगा, वो बहुत खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ एक पैन को अच्छे से गर्म कर दिया, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा नाश्ता, और उसको हम लो टू मीडियम फ्लेम में उलट पुलट कर उसको बनाएंगे, और उसमें ऐड करेंगे ऑयल, घी, बटर, आपको जो अच्छा लगता है आप ऐड कीजिए, तो फिर उसको बनाइए। अब देखो कि ये कितना फ्लफी बनेगा। यहाँ मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया है और उसको उलट पुलट के मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हो नाश्ता हमारा कितना फ्लफी बना है, कितना फूल रहे। अगर ये ऐसे फुला फुला बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाश्ता एकदम से परफेक्ट बना है और खाने में बहुत सॉफ्ट होगा और स्वादिष्ट होगा। और उसको हम उलट पुलट कर थोड़ा गोल्डन होने तक हम उसको पकाएंगे, फिर हम हमारा जो पनीर पालक लिफाफा रेडी है। अभी मैं और एक डाल रही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी एकदम से हमारा सब नाश्ता एकदम से अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा सारे नाश्ता एकदम से फ्लफी बना है, फुला फुला बन रहा है। आप ये नाश्ता को ऐसे खाली भी खा सकते हो, नहीं तो टमाटो केचप के साथ भी बच्चों को दे सकते हो, नहीं तो कर्ड के रायता के साथ भी आप खा सकते हो। अगर आप सेम टाइप नाश्ता खा के बोर हो गए तो ये नाश्ता आप जरूर बनाइए, आप ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों से बड़े तक सबको अच्छा लगेगा। और आपको मैं एक उसका लिफाफा को एक तोड़ के दिखाऊंगी, आप देख सकते हो हाँ स्टफिंग एकदम से भर भर के है, मतलब ऐसे मुंह में आएगा सब स्टफिंग, ऐसे मुँह में आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ मैं उसको ऐसे फाड़ रही हूँ, कितना अच्छा सा स्टफिंग दिख रहा है। सच में बहुत अच्छे लगेगा, आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी कैसा लगा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।